अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एफआर शबाने के ब्लॉग में। ब्लॉग में तो आज नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ मेरा मन हुआ था कि मेरे को शायद मेरी बाइक मिल जाए, अल्लाह करे। ऐसा मन हुआ मेरा, तो मैं जिम गया तो उधर अपना एक दोस्त है, सईद भाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है। तो मैंने उनको कहा सईद भाई ऐसी ऐसी बात है, तो बोले रुक जा मैं मेरे दोस्त से बात करता हूँ। तो उनने कुछ दोस्त को बात देख के रहे, तो वो बोले अच्छा मैं तुमको निकाल के देता हूँ, और दुआ करो अल्लाह करे मिल जाए तो अच्छा है ना। तो हिसाब से मेरी थोड़ी उम्मीद जागी है, मेरे को आज के दिन की उम्मीद जागी है कि शायद मिल जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। तुमको कल भी जागी थी? नहीं, रोज जागती हूं। वो तो जहाँ ब्लू कलर दिखता है वहाँ जागती रहती है। वो तो आज अपन ढूंढ रहे हैं ना, तो हिसाब से ब्लू ब्लू दिख रहे अपन, तो क्या अपना चलते जाते हैं। तो आप ढूंढते हैं तो वो चीज मिलती है, जैसे ढूंढने से सात आदमी भी मिल जाते हैं एक शक्ल के, है ना। तो पंखा क्यों कर रही है? मैं मालूम बता रहा हूँ, मैं अभी बोलने आ रहा था कि इसको गर्म बहुत पड़ा, क्योंकि यहाँ का पंखा निकल गया, वहाँ का पंखा सब बंद हो गया, और एसी भी मेरा खराब हो गया, एसी भी खराब हो गया है, और ज्यादा सफाई वफाई हो गई। अभी जो अपना कॉन्ट्रेक्टर है फैजान, वो बोलता है लड़के को भेजता पूरा धो डालेगा, धो के फिर इसके ऊपर व्हाइट सीमेंट मारे, व्हाइट सीमेंट भरेंगे। तो उधर भी पी भी लगा रहे माशाल्लाह, उधर भी दोनों पंखे निकाल दिए। ये सुबह से यहाँ बैठी है, मैं तो जिम जाके फिर भी एसी में बैठ के आया, थोड़ा मस्त। तो आप लोग को मैं दिखाता है ना, ज़्यादा हिलाती थी तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो ये रूम कितना माशाल्लाह बड़ा दिख रहा है, सफाई पोता तो काम वाली लगा के गई है, लेकिन फैजान आके पूरा धो के वाइट सीमेंट भर लेगा। और यहाँ सब देखो मजे लूट ली हवा के। यस, मैं किसी के पास बैठ के देख रही, देखो माशाल्लाह मेरा गैस का चूल्हा यहाँ आएगा और मेरा बाथरूम का दरवाजा अंदर जाएगा, तो मैं यहाँ खाना बनाऊंगा, वहाँ थोड़ी खाना बनाने वाले, और दरवाजा तो 24 घंटा बंद ही रहता है, जब यूज करने का रहेगा तब जाएगा, और उसे मेरी देसी अपन दो तो अगर टेंशन है आपका बोट है, वो भी इतना गंदगी भी रहती, साफ सफाई रहती, या मेरी वॉशिंग मशीन आएगी, या मेरा फ्रिज आएगा, वहाँ सामने मेरा कबर्ड बनेगा, और यहाँ पे भी देखो माशाल्लाह मैंने पत्थर लगा दिए बैठने के लिए, बैठने के लिए अपन यहाँ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, अपने चप्पल पे अंदर आ जाएगा, मेरा चप्पल वगैरह है, या तो कोई फालतू सामान लेगा वो डाल के कबर्ड बना दूंगी इधर, कबाड़ यहाँ बनाइए ना, यहाँ तक यहाँ पे स्विच आएगा ना, ये स्विच आएगा बना सकते, लेकिन मेरे को ऐसा खाली का रूम बहुत अच्छा लगता है, कसम बताइए मेरे को ऐसे खाली रूम में बहुत सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, आके मैं बस बैठ जाता, हिलता भी नहीं आता फिर, है ना। ओवन करके वो नहीं है ना, यहाँ रखूंगी, इसका पत्थर का बोली है इधर का, जरूरी नहीं पत्थर लगाना, खन बनता है ना बोलना, लेके आता हूँ, कोशिश करेगी ना। तो अभी मैं तुमको अपना पी यू पी जो ऊपर लग रहा है वो दिखाता हूँ, पंखे निकाल दिए वो दिखाता हूँ, तो आइए। बहुत गर्म है, ये देखो पी यू पी लग चुका है पंखे के, लगेगा तो अच्छा लगेगा, लाइट वाइट जलेगी ना तब अच्छा लगेगा। पंखा निकाल के कहाँ रख दी? पंखा खोल के रख दिए, रख दी ना, जाएगा, चलो ठीक है ना। अभी थोड़ा जैसा जैसा काम हो जाएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी सफाई के लोग तो भी बता देता हूँ मैं, क्या बोलती है, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, खाना खा लेगा जा, बराबर नीचे बैठे नहीं जाता रे बाबा, दया बहन नीचे बैठे नहीं जाता, यहाँ तुझे बैठते हैं क्योंकि मेरा जो मटका है ना वो नड़ जाता है। चलो ठीक ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, मस्त दिखती है। ये पूरा टावर के मजे लूट रही है, अभी देखो आज तक इंशाल्लाह ऐसे मजे लूटेगी कि पूछो मत। चलो अभी जैसा जैसा काम होगा मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन टावर में जाऊंगी मैं, जाएगी। तो हम लोग का किचन तो बिस्मिल्लाह हो चुकी है, उसमें पहली चाय बन रही है, वो भी 15-20 दिन बाद, वो भी खड़े हो गए, कैसा लग रहा है? 15-20 दिन बाद क्या, बाकी नाश्ते की चाय तो बना, वो तो वहाँ बनाते हैं, इस किचन की बात कर रहा हूँ। तो मैं शेफ से पूछना चाहता हूँ कि ये किचन बनने से कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग गौर से सुनना शेफ, ईमानदारी से बता। देखो ये लाइट में उसके लिए भी उजाला आता है, हाँ यार, मगर ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है,
तो कैसा लग रहा है खड़े हो गया? बहुत ऐसे बैठने हो रहा था, बैठ के नीचे का काम करने के लिए खड़े थे क्या था वो जमीन में खड्डा बराबर हो तू बैठी जमीन में खड्डा भी हो गया था उधर खड्डा नहीं हुआ समझे ना। बोली मेरे भाई चल फटाफट, मेरे अंकल का दिमाग गर्म हो गया, हाइपर हो गया, तो चाय बना दे कड़क कड़क, तो अंकल भी पिएंगे तुमको भी दे दी, तेलो के लिए मैंने कप रखी थी संभाल के। नहीं तो दिमाग खराब होगा ना, कोई काम टाइम पे नहीं आ रहा है, सुतार देखो 3 बजे आ रहा है, और इलेक्ट्रिशियन देखो तो 3 बजे 8 बजे घर की याद आती तो भाग भी जाते हैं। कुछ कोई चीज किया है कि नहीं? अरे काम लियो तो सुबह जल्दी आओ, खत्म करो, बस घर वही है, कोई दुकान थोड़ी की वजह से हम लोग बाहर बैठे तुम करते रहो, हर चीज की तकलीफ हो जाती है। देखो ये भाई शकील भाई ये आते 3:30 आते हैं, शकील इधर देख 3 बजे आने का 8 बजे आदत की याद आती है तो भाग जाते घर पे फुर फुर करके, है ना। सभी जाकर जब नहीं जाते सब काम खत्म करके जाते हैं, दो पैसा मिले कौन हुसैन बैठा है तो जब भी शादी भी नहीं कर रहा है, ऊपर से भाव भी इतना खा रहा है, पैसा भी इतना मांग रहा है कि पूछो मत। हुसैन बोलना चाहता है कुछ नहीं बोलेगा, अभी ये पलाय ऊपर लगने वाली है। चीज बताऊंगा मैं अपने जो फ्रेंड लोग उनसे कुछ बात छुपाता नहीं हूँ, उनको भी तो मालूम पड़ेगा काम अच्छा हो तो काम दूसरा अच्छा मिलेगा। अब हमारे काम खराब कर हमें बोले अच्छा है और तू लोग अभी खराब कर दे तो नहीं चले ना बेटे, समझता है? फिर वो फैजान के नंबर सब मांग रहे भी पंखा लगा रहे, सुबह बिना पंखे के तो बैठे थे गर्म के अंदर, बाप रे इतनी हालत खराब हो गई। कल सुफियान आया था इधर दुकान पे तो उसको नहीं जमा कुछ, वो जैसा चलता था कैसा था, अब सबको मैं लेके आया यहाँ पे, पसंद कर ली सब ने, इंशाल्लाह मैं चालू कर दूंगा इसको बनाना, है ना। ब्लैक कलर नहीं मिल रहा तो ब्लैक कलर के टाइम लगेगा, जब तो हमाम का दरवाजा क्या यूज करेंगे, अभी आदमी लोग काम वाम करेंगे तो हमाम का दरवाजा तो मैन ने बना लिया, टाइल्स के मैचिंग की है उसमें चलेगी। ये ब्राउन कलर पसंद है, चल गया है ना, तो चलो जैसा जैसा अभी ऑर्डर मिलता है बनाते हैं, आप लोग को सब दिखाते हैं। तो सुफियान घर पे आया है, मम्मी तो गई है अपना एनसी लिखाने, जो अपना दोस्त थे सईद भाई उनने बोले जाओ एनसी लिखा के आओ बाकी मैं देख लेता हूँ, तो साहब ने बुलाया बोले चलो आओ एनसी लिखा लो। तो सुफियान घर में बैठे बैठे सोचा तो बोले हमाम में मैं एक शीट लगा था जो बच गई, जो दिमाग लगाया क्या सुफियान बोला दिमाग लगाया शीट में ऐसा बच गई समझे, ऐसा तो फेंकने में जाएगी बराबर समझे, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको इधर डायरेक्ट अंदर इधर इसके ऊपर मार देंगे समझे, तो ये इधर बैठ गया टॉयलेट में पूरी, तो मां टॉयलेट में पूरा इंटीरियर हो गया। अबे तो अभी तो तोड़ देगा बेटा इंटीरियर के अंदर, तो पहले ही तोड़ देगा तू, लीजा बराबर बोलती है तू, तोड़ तो बहुत करता है ले लेंगे ना, खरीद लेने का क्या, यहाँ पर ना मैं प्लाय देखा हूँ जो अपने कारखाने में लगी है। अच्छा वो प्लाय ना एकदम पतली है और हल्की है, तो वो यहाँ चिपक जाएगी पूरी प्लाय, पूरे में प्लाय मार देगा, चलो चिपक जाएगी पूरी प्लाय, चिपकने वाली प्लाय हो। वहाँ का काम बराबर है? हाँ वहाँ का तो देखो पट्टी लगने के बाद मालूम पड़ेगा बराबर है, ले दिखा दे यहाँ पे पट्टी लग रही है, अभी हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह काम, फिर ये भी बनाना है गाइस, फिर ये सब भी बनाना है, ये भी बनाना है, यहाँ पे डोर भी बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ दरवाजे पे अपा मैंने कुछ सोचा हो नहीं, वो जो तुम बोले मैं उससे अच्छा सोचा हो, अपन याद है वो दुकान में दरवाजा देखे ब्लैक कलर का, मैं सोच रहा हूँ वो करवावे यहाँ पर इसके हाथ में बाहर से लेकिन, पर तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा मेरे बाप, खत्म कर दी इसी को ये तो कर देगा, लेकिन तुम्हारा माल तो महंगा आएगा ना, तुम्हारा माल महंगा है वो, बाकी वो सब हो जाएगा, इधर भी मैं सोच रहा हूँ बट देखते हैं अभी क्या होता है, मम्मी को आना, मम्मी को पूछता, अगर मम्मी बोलते करवा सकते तो करवा लेंगे। तो घर में मैं घुस के यहाँ बैठा हूँ कब से किचन के पास, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को बैठ के, ऐसा था एकदम सुकून मिला कसम से बोल रहा हूँ, मैं इतना खाली खाली रूम दिख रहा है, इतना मजा आ रहा है, तो मैंने शब को कहा शब चल आज मेरे को बॉयल बेहतर बनना, अंडा खाऊंगा बॉयल, तो शब फौरन उठी और बनाने चली गई, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ शब अच्छा मिल गया तुमको, मतलब अच्छा लग रहा है कसम से, बस यहाँ तेरा कबाड़ बनेगा ना, इतनी जगह छोड़ देना मैं बैठा रहूंगा मस्त, मैं इसे तुझे मैं इसे तुझे देखता रहूंगा, यहाँ से वो बीच में वो आ जाएगा ना,
झाक के गर्दन दुखेगी, ये अच्छा है सामने सामने बैठ के देखूंगा तो, है ना। हाँ ये पका रही है वहाँ पे, तो हो गया फायदा, हो गया तो बस रेडी हो चुका है। जब मैं खाऊँ मस्त और तो पिक्चर देखूंगा तो, है ना, जब तक थोड़ा आराम करो। तो मैं अच्छा बॉल अंडे खा के बैठा नहीं कि पिक्चर देख रहा था, इतने में नौशीन अडानी जाए आइजल को लेके, और एक सरप्राइज ये लाया कि उन्होंने खाना भी लेके आ गए साथ में। हाँ जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, अल्लाह ताला को खूब खिलाएगा, खूब फले फूले और क्या खूब तरक्की करे, है ना। जब क्या बोलते तुम, आमीन। क्या लाए? ओ माय गॉड, वाओ, नौश देखी तूने ऊपर, है ना, अच्छा लगता है। डानी के कलर का हो गया, जब तेरे कलर का है ना। चल मेरी आजू भी आ गई मम्मा, और ये क्रिस्पी फ्राइड राइस दिखा ली। ओ माय गॉड। तो गाइस अभी एक घंटे में इतना सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद सुफियान निदा का मुंह मीठा कर रहा है। चल लो, पहले क्यों नहीं खाए, पहले जबान पे गाना चाहिए। रोशन तुम देखो जरा, आज को देख रहा, आज तुम दोनों को सबको देख रही, क्या कर रहा है आज मम्मा, कावा गुड्डू, चल खिला खिला खिला, दो मावा और मंगा सब। अरे गुलाब बकरी होने जा रही है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मंगा ले, दो किलो बढ़ गया। कैसा है? और अभी आप लोग ने सुफियान और निदा के ब्लॉग में देख ही चुके होंगे कि क्या हो चुका था नौशीन और निदा, हो गया ना। और ये तू बैठे हैं, ये एडवाइस दे रहे मेरे को, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सबको बांट बांट के दे रहा, काट काट के, खुद ने क्या खाया, खा लो, खाए खाए हूँ। अरे ये ना इन्होंने ना चुपके दो, तेरे को पूछे भी नहीं, चुपके चुपके बैठ के पर्दे के आड़ में खा गए जल्दी से, नया खा लिए। और काटूं, दो लाया हूं मैंने, काटूं चल। इनको तो खिलाओ, मलाई खिलाओ यार इसको, नहीं ना कुछ भी खाते नहीं, खिलाओ यार, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, मेरे लिए बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तेरे लिए। तुम नहीं खाओगे ना, पक्का चालू रखो। तो बच्चे लोग आए और चले भी गए, खुशियाँ लाए और चली भी गई माशाल्लाह। जब बच्चे लोग आते तो बहुत मजा आता है, ऐसी मजाक होती है, इंजॉय करते, जब वो लोग चले गए तो अब नींद आ रही है, सुना सुना है, जैसे जब सो जाओ चुपचाप तो सुबह होगी तो फिर कुछ नया उजाला होगा, है ना। कल जाना है, सब बटन लाना है, फिर वो दरवाजे वाले को मना करना है, गीजर लाना है, खिड़की बनाना है, है ना, बहुत काम है अभी, 10-15 दिन और सब चलेगा मेरे ख्याल से, 15 तारीख तक पूरा पकड़ के चलो, पूरा फाइनल, मतलब कलर वाले को बुला के, फिर अंदर का वो नीजा कुछ बनाने का बोल रही है, वो पर्दे वाले को ऑर्डर देने का है, अभी कल शटर का ही बोले, वो भी लग जाएगा शायद, लग जाएगा, है ना, माप सही रहा तो, हाँ माप हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, वो बड़ा बड़ा अपना छोटा ही है, बड़ा नहीं है, बड़ा ही है, छोटा है, छोटा है। तो चलो फिर यहीं मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, नहीं दबाए फिर भी दबाओ, टिंग टोंग।